तो कैसे रिपोर्ट करते हैं उसका वीडियो आपके सामने अब हम दिखाएंगे। तो ये है मेरा ग्रो बैग और इसमें हम रिपोर्ट करेंगे। तो 3-4 घंटा हो गया इसको हम फंगिसाइड लगाया हुआ हूँ। तो फंगिसाइड लगने के बाद ऐसे छोड़ देना है 3 से 4 घंटे के लिए। और यहाँ पे जो जो छोटा छोटा स्टेम कटिंग है उसको हम ग्रो करेंगे। तो थोड़ा सैंड है, देखिए सैंड भी इतना जाम हो जाता है। तो पहले दिखाएंगे कि स्टेम कटिंग जो है उसको हम कैसे ग्रो करेंगे। तो स्टेम कटिंग के लिए हम थोड़ा जो मेरा ये पॉटिंग सॉइल है इसमें हल्का सा कोकोपीट, राइस हस्क, पान राइस हस्क जो ऐस होता है राइस हस्क का उसका मिला हूँ। और इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे कुछ खाद वगैरह मैंने मिक्स नहीं किया हूँ। और ये पॉटिंग सॉइल जो है सेग्लोनीमा के लिए ग्रो करने के लिए एकदम बेस्ट पॉटिंग सॉइल है। रेत कंपलसरी है, आप रेत दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। और इसके नीचे हम दे देंगे थोड़ा सा ड्रेनेज जो होल है, ड्रेनेज होल के लिए हम देंगे इस टाइप का पॉट का टूटा हुआ हिस्सा जिससे ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहे। और ये है खीरिस का पाता, खीरिस का पाता हम लोग यहाँ पे खीरिस पाता बोलते हैं। तो ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखेगा। और अभी हम इसमें 1.5 इंची तक ये जो मैंने पॉटिंग सॉइल मिलाया हूँ तो ये 6 महीने पहले रेडी किया हूँ, रेडी किया है। और 6 महीने के बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एक बोरी में भर के भी रख सकते हैं या फिर इसको खुला भी रखते हैं, पूरा धूप में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेम है देखिए, ये जो सिंगल सिंगल स्टेम है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का है। तो ये जो स्टेम है इसको हम यहाँ पे इसको चोक बोलते हैं, जहाँ से फूटा हुआ आएगा, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं देंगे। अगर पॉड में देंगे तो ऐसे करके देंगे, अगर ऐसे चाली पॉड में देंगे तो इस तरह रखना होगा। फिर ये एक रखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे जो चोक है जहाँ से फूटा हुआ आएगा तो उसको भी हम ऐसे रखेंगे। तो ये ऐसे रखने का मतलब ये है कि ये 1, 2, 3 का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे रख देंगे तो 2 का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे रख के हम इस तरह के देखिए दवा देना नहीं है, 50% दबेगा और 50% ऊपर रहेगा, उसको हम थोड़ा सा यही पॉटिंग सॉइल से मल्चिंग कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये 1.5 महीने में फूटा हुआ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, बस देखिए। और इसके ऊपर से हल्का सा राइस हस्क दे सकते हैं या फिर जो पॉटिंग सॉइल वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ये जो फंगिसाइड मिला हुआ पानी है इससे हम पूरा भिगो देंगे, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद दिखाएंगे इसको रखना कहाँ पे है। तो अभी कुछ और जो प्लांट है उसको हम ऐसे पॉटिंग करेंगे।
देखिए ये पूरा सूख गया है, इसको हम ऐसे तवा के पॉटिंग कर देंगे। इसको थोड़ा सा दबाना है, नहीं तो ये एकदम भुरभुरा सा मिट्टी है। देखिए ऐसा मिट्टी बनाना है, इसमें सिर्फ 20% मिट्टी है और 20% नॉर्मल जो आपका लीव मोल्ड है, 20% देखिए ये एक ग्रीन वैरायटी का है। तो इसमें जर्मिनेशन रेट पिछले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आप देखेंगे तो 80 से 90% तक जर्मिनेशन रेट है, बहुत अच्छा रेट होता है। वो मैंने सीड में बनाया था, सीड मीन्स आपका विंटर सीजन में बनाया था। एकदम इजी प्रोसेस है, आपका जो एग्लोनिमा का प्लांट है अभी फेब्रुअरी के स्टार्टिंग से या फेब्रुअरी के बीच से आप शुरू कर सकते हैं काटिंग, और लगभग मॉनसून तक आप काटिंग कर सकते हैं। पर एक चीज़ आपको अवॉइड करना होगा, जब लू लगेगा, लू चलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40 के ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है तब ना करें तो सही अच्छा है, क्योंकि इसके काटिंग तो ठीक रहेगा, स्टेम तो ठीक रहेगा, पर उसका जो ये देखिए ये जो है आपका स्टेम काटिंग, तो उसका जो पत्तियाँ वगैरह सब जल जाता है। ग्रो तो हो जाता है, इसके लिए आपको एक ग्रीन नेट हाउस या फिर पॉली हाउस के ज़रूरत पड़ेगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये कोई कमर्शियली भी कर सकते हैं। तो ये एक ग्रीन वैरायटी का है, देखिए जिसके बारे में मैं बोल रहा था, 50% मैंने बोला, सॉरी उसके लिए। तो पॉटिंग सॉइल कैसा बनाना है, तो राइस हस्क आपको लेना है 50%, राइस हस्क लेना है आपको 20%, नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है 20%, तो 40% हो गया। 20% आपको लीव मोल्ड लेना है, एक साल पुराना लीव मोल्ड चाहिए, और आपको 20% आपका बर्न राइस हस का जो एस होता है तो पूरा जला के उसको यूज़ करना है, फिर आपको लगेगा। तो 80% आपका हो गया। अगर आपके पास रेत है, लाल रेत, रिवर्स सैंड जिसको बोलते हैं, वो आप 20% डाल सकते हैं, अगर वो कंपलसरी नहीं है, अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने देखिए ये पत्ती को काट दिया, क्योंकि ये जो है इसमें फंगस लगा हुआ है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे, ऐसा आपको नहीं रखना है कटिंग में। तो इससे ही सड़न आ जाता है, पूरा पौधे को ख़राब कर देता है। तो अभी जो पॉटिंग कर रहे हैं, और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जो पॉटिंग जब कर रहे हैं उस टाइम में आपको ये जो पॉटिंग सॉइल है इसमें कोई भी आपका सिस्टमिक या फिर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यूज़ करना है। क्योंकि ये एक स्टेम कटिंग है, इसको मैं दे रहा हूँ, इस तरह का से, इस तरीके से आप पॉटिंग करेंगे तो आपका रिजल्ट, अभी जो सीज़न चल रहा है फेब्रुअरी का, आज तेईस तारीख है,
तो ये एकदम 100% सक्सेसफुल होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा जो अगला वीडियो पहला जून पहले जो वीडियो मैंने डाला था कुछ दिन 3-4 दिन पहले, वो मैंने विंटर में इस प्रोसेस का यूज़ किया था और सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपका जो कमेंट है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं एक बंगाली लड़का हूँ, वेस्ट बंगाल का, तो थोड़ा भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और कोशिश करूँगा कि बीच बीच में ऐसे हिंदी में वीडियो डालने का। तो अभी बहुत सारा प्लांट है, टोटल प्लांट को अगर मैं दिखाने के लिए जाऊँगा तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी मैं आपको पूरा जो प्लांट का कैसे प्रोसेस है वो दिखाने का कोशिश करता हूँ। मेरा जो नर्सरी का प्लांट है बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो इंडोर आउटडोर सभी तरह का प्लांट मैं रखता हूँ। वेजिटेबल जो है वो घर के लिए है, जो कोई अगर टेरेस गार्डन करना चाहते हैं वो भी इस चैनल को देख सकते हैं। तो देखिए ये बिग्रॉय का प्लांट है और इस तरह का होगा, एकदम हल्का लाइट वेट, तो अभी जो सीज़न चल रहा है इस सीज़न में अगर ग्रोइंग अप करेंगे तो एग्लोनीमा के लिए एकदम से बेस्ट सीजन है। इसी प्लांट का ये जो टॉप कटिंग है ये 3 महीने इतना ग्रो हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, इसको फिर एक हम कटिंग लेंगे इससे, तो इससे आप बिजनेस के तौर पे भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है इसका पॉटिंग सॉइल, देखिए कितना सा पॉटिंग से कितना सारा प्लांट का, ये भी एक स्टेम कटिंग है, और ये जो बैग है जिसमें मैं पौधे को डाल रहा हूँ ये 4 इंच का ग्रो बैग है। इसको आप 1 रुपये 1 से 2 रुपये में आ जाता है, ये कुछ एक ग्रीन वैरायटी का स्टेम कटिंग है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था ये सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है, आपका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। मैं हर रोज़ एक ना एक वीडियो मेरे नर्सरी का डालता रहता हूँ, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है, आप अगर इस चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसमें मैं 2 दे रहा हूँ, ऑल टाइप का जो फ्रूट प्लांट है वो भी है, और जो मेरा नर्सरी में इंडोर आउटडोर हर तरह का प्लांट ही मैं रखता हूँ, और जो मेरा कस्टमर है वो भी मेरे से प्लांट लेके बहुत सेटिस्फाई है, यहाँ पे कोई डुप्लीसिटी नहीं है, और जो मेरा यूट्यूब चैनल में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए ये एक बिग्रॉय का कितना बढ़िया प्लांट है, तो हर लोग बोलते हैं कि विंटर सीजन में मेरा जो एग्लोनीमा का प्लांट गल गया, पत्तियाँ ख़राब हो गए हैं, कुछ पत्तियाँ ख़राब होगा ये नॉर्मल सा बात है, विंटर में प्लांट का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है,
तो कुछ प्लांट आपका मर नहीं जाएगा पर थोड़ा पत्तियाँ डल हो जाएगा और जो ग्रोथ है थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये एक नॉर्मल बात है। फिर जब आपका जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, अभी आपका जो सीजन चल रहा है शीत के बाद, तो ये तब इस जो प्लांट है ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। यही टाइम है, ये एकदम का बेस्ट टाइम है जब आप इसको अगर पॉटिंग करेंगे तो आप मॉनसून में भी एक देखिए एक ये जो टॉप कटिंग है ये बेचने के लिए है और जो स्टेम कटिंग है आप उसको एज ए मदर ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो 2 साल में ही 6-8 प्लांट आपको देगा और इससे आप फिर 3 महीने बाद एक ये जो टॉप कटिंग है देखिए 4 या 5 पत्ती वाला जो इसको आप 3 महीने बाद फिर एक कटिंग ले सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टली आइटम है जो बिग रॉय का होता है, 200-300 में बेचता हूँ मैं और जो ग्रीन वैरायटी है वो 50 रुपीज़ से 25 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाता है और जो रेड वाला वैरायटी है ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है उतना बढ़िया नहीं होता है और उतना जल्दी ये बढ़ता नहीं कि ग्रीन वैरायटी जैसे बहुत जल्दी बढ़ जाता है और उसके प्रोडक्शन का जो एक अगर काटेंगे तो 3-4 एक से निकलेगा पर जो रेड वैरायटी है उनमें ऐसा बात नहीं है। तो उसका लिए थोड़ा टाइम लगता है, एक प्लांट रेडी करने में आपका 3 से 4 महीना लग जाता है उसको ऐसा क्रॉप कटिंग बेचने के लिए। तो आप अगर टाइम के हिसाब से देखेंगे तो एक प्लांट से आप 2 या 3 कटिंग हर साल ले सकते हैं। फिर भी ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 3 कटिंग यानी आप 150 के हिसाब से भी आप बेचोगे तो 450 आपको मिल जाएगा, प्लस आपका जो मादा प्लांट है वो तो रहेगा ही। तो एग्लोनिमा का प्लांट के बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है पर इसको थोड़ा पॉली हाउस का बहुत ज़रूरत पड़ता है क्योंकि अभी जो टेम्परेचर जब पट्टी के आसपास चला जाएगा तो इस प्लांट को बहुत दिक्कत आ जाता है। तो देखिए मेरा सब रेडी हो गया, इसमें क्या करेंगे अब देखिए, ये पानी भी मैंने रखा है और इसमें हम ऐसे पानी दे देंगे, इससे फंगीसाइड है वो फंगीसाइड वाला पानी देना है। इसको ऐसे पानी दे देंगे, पत्तियों में भी थोड़ा पानी दे देंगे और देने के बाद इस तरह का जो आईसीयू चेम्बर मैं इसको बोलता हूँ जिसमें एक ह्यूमिडिटी क्रिएट है, तो उस टाइप का एक पॉली है ग्रीन नेट के नीचे ही है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो और थोड़ा इसमें पानी आपको देना है, पूरा भर के पानी देना है। इसके अंदर बहुत सारा प्लांट है, इसके अंदर ऐसे घुसाएगा। इसके अंदर बहुत सारा प्लांट है, ये मेरा आईसीयू चेम्बर है, इसको हम पहले पानी दे देंगे। देखिए ऐसे पानी दे देंगे फिर इसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। तो
वो वीडियो तरह बड़ा हो रहा है इसलिए। नमस्कार।